वेलकम बैक टू आवर चैनल नरिश वाइटल्स। जब भी हम सब अपनी हेल्थ या फिटनेस की बात करते हैं, देन एक इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स को हमेशा भूल जाते हैं, एंड दैट इज ब्रेन। द ब्रेन इज मोस्ट वैल्यूएबल एसेट और हमें इसकी केयर वैसे ही करनी चाहिए जैसे कि हम अपनी बाकी बॉडीज की करते हैं। इट कंट्रोल्स एवरीथिंग यू डू, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ इट बाई मेकिंग हेल्दी चॉइसेस। समटाइम्स हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं जो ब्रेन को डैमेज कर सकती है। सो आज का हमारा टॉपिक इस पे है कि हम कैसे अपनी ब्रेन की केयर कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैबिट्स जो आप अपने लाइफस्टाइल में फॉलो कर सकते हैं। वी विल ऑल्सो टेल यू दैट हाउ कैन यू ब्रेक दीज अनहेल्दी हैबिट्स एंड फॉलो सम गुड वंस टू टेक केयर ऑफ योर ब्रेन। सो सबसे पहले हैबिट है गेट अ गुड स्लीप। आजकल सबका शेड्यूल इतना बिजी हो गया है कि दे डोंट गेट एनफ स्लीप। नॉट स्लीपिंग मच इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग यू आर डूइंग। जब आप प्रॉपर तरीके से नहीं सो पाते हैं, देन आपके ब्रेन को रेस्ट करने के और रिकवरी का टाइम नहीं मिल पाता। सो इस रीजन से आपको सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, लाइक कॉग्निटिव डिक्लाइन, मेमोरी लॉस एंड मूड स्विंग्स। सो अगर आप अपने ब्रेन की एक प्रॉपर केयर चाहते हैं, देन आपको अपनी नींद पूरी करनी होगी। आपको पर डे 7 to 8 hours की स्लीप इम्पॉर्टेंट है। द सेकेंड वर्स्ट हैबिट इज ब्लास्ट योर हेडफोन्स। ये सच है कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत ईजी कर दिया है। ऑन द अदर साइड इसका हमारे लाइफस्टाइल और हेल्थ पे बैड इफेक्ट भी पड़ रहा है। जब भी आप हेडफोन्स यूज करते हो, इट अफेक्ट आवर टू ईयर एंड इन टर्न टू ब्रेन मसल। आपकी ब्रेन मसल सेंसिटिव और वीक होने लगती है। लिसनिंग टू म्यूजिक इज ग्रेट वे टू रिलैक्स, बट ध्यान रखें कि अगर आप हेडफोन यूज करके म्यूजिक सुन रहे हैं, देन कीप इट्स वॉल्यूम लो एंड ट्राई कि आप इस पे बहुत कम टाइम स्पेंड करें और जितना हो सके कम से कम हेडफोन यूज करें। नाउ द वर्स्ट हैबिट विच आई हैव एवर सीन जिससे ब्रेन पे बहुत गलत इफेक्ट होता है, दैट इज स्मोकिंग। यस, यू ऑल विल सरप्राइज कि स्मोकिंग का कनेक्शन ब्रेन को हर्ट करने से कैसे हो सकता है। स्मोकिंग डैमेज ब्लड वेसल्स एंड लीड्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन विच लीड्स टू स्ट्रोक, और ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपके ब्रेन के हेल्थ को खराब करने में। पीपल हु स्मोक आर ऑल्सो ट्वाइस एज लाइकली टू डेवलप डेमेंशिया। सो अगर आप स्मोकिंग करते हैं, देन आपके लिए ये बेटर होगा कि आप इसको क्विट कर दें, विच इज गुड टू योर ब्रेन एज वेल एज योर होल बॉडी। The next bad habit is spending too much time alone. We know कि आजकल हमारी surrounding या environment ऐसा हो गया है कि हर इंसान कुछ ना कुछ time अकेले spend करना चाहता है। But जब भी आप अकेले होते हैं, आपका mind हर small things को लेके भी overthink हो जाता है। When you are constantly around other people, your brain gets stimulation from social interaction. But when you are by yourself all the time, your brain doesn't get the same stimulation. और इससे आपको एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन भी हो सकता है। इट्स बेटर टू स्पेंड टाइम अलोन, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग लीड्स टू बैड हैबिट। सो आप अपना टाइम सोशल लाइफ, फ्रेंड्स या फैमिली में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बीइंग टू स्टेशनरी इज आल्सो वन ऑफ द हैबिट दैट अफेक्ट्स हेल्थ ऑफ योर ब्रेन। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, देन इट्स टाइम टू चेंज, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही जगह पे बैठे हों, रेगुलर एक ही काम कर रहे हैं, देन आपका ब्रेन वर्क करना कम कर देता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को और ब्रेन को स्टेशनरी ना रखें, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें, सो दैट इट कि आप और आपका ब्रेन एक्टिव रहे। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज हैबिट्स, जिस पे आपको फोकस करना है वो ये है: ओवर ईटिंग, ईटिंग टू मच जंक फूड, नेगेटिव थिंकिंग, इग्नोरिंग योर हेल्थ इश्यूज। अगर आप अपने ब्रेन को हेल्दी रखना चाहते हैं, देन मेक श्योर कि आप इन सब हैबिट्स से अवेयर रहें। योर ब्रेन विल थैंक यू फॉर इट। सो गाइज, दीज आर द हैबिट्स जो आप अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करते हो और बिल्कुल अनअवेयर होते हो कि ये आपके ब्रेन पे कितना गलत असर डाल रहा है। आप इन हैबिट्स में बस कुछ चेंजेस करके अपने ब्रेन की हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। बट अगर आपको कोई सीरियस इशू आ रहा है, देन अपने मेंटल हेल्थ पे बात करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। यू शुड डायरेक्टली कंसल्ट टू योर डॉक्टर।
यस, इट्स ट्रू कि ब्रेन की हेल्थ काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और ये फैक्टर्स जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर को आप डिसाइड नहीं कर सकते और ना ही उन पे आपका कोई कंट्रोल हो सकता है, बट यू डू हैव कंट्रोल ओवर अदर थिंग्स दैट कैन हेल्प यू स्टे हेल्थी। वी वॉन्ट टू एनकरेज यू टू टेक केयर ऑफ योर ब्रेन्स हेल्थ एंड अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर योर वेल बीइंग। अ हेल्दी ब्रेन मीन्स हैप्पी यू। गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन इसे लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर गाइज़।